जो अखबारों में भी छपी आज रिपोर्ट है और कल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में जो दिखाई गई रिपोर्ट है, उसमें एकमात्र यदि चित्र किसी का चला तो वो पंकज मिश्रा का ही है। लेकिन इस नोट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पंकज मिश्रा एंड एसोसिएट्स लिखा गया। वो कौन एसोसिएट्स हैं, किनके बैंक अकाउंट से कितने पैसे सीज हुए, ये बातें कहीं नहीं है। केवल एक वेग नंबर दिया गया है और कुछ अमाउंट की बात कही गई। हमको लगता है कि ये संपूर्ण जो नैरेटिव ईडी ने बनाया उनका मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि गार्निशिंग कीजिए चीफ मिनिस्टर के इमेज को। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार लांछन और प्रयास सिर्फ यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरह से धूमिल किया जाए और टारगेट जो आपका मनरेगा से शुरू होते हुए साहेबगंज तक पहुंच करके और उसके बाद ईडी का जो भी छापा पड़ा और प्रमुख नाम में माननीय हेमंत जी के प्रतिनिधि, बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का नाम लिया गया, लेकिन अभी तक उनके एसोसिएट्स के साथ जोड़ करके इतना लंबा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि उनके यहां कितना पैसा बरामद हुआ उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। और जितने भी व्यवसायियों के यहां छापे पड़े उसमें लिंक्स कि एक बड़े व्यवसायी के यहां से लगभग 2 करोड़ रुपया मिला, वो बीजेपी के एमएलसी बिहार से संबंधित, उनसे रिलेशन निकल रहा था। और 2015 से लेकर के 19 तक में 7 से 8 लीजेज जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दिया गया, एमएलए पुत्र को दिया बीजेपी के, एमएलए के प्रतिनिधि को दिया गया, बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट पाकुड़ को दिया गया और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया, जो रघुवर दास के टाइम में, जो आज बोला जा रहा है कि रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, रॉयल्टी का फ्रॉड हो रहा है, तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहते हैं। 2015 से लेकर के 19 तक जो साहेबगंज का हाईएस्ट रॉयल्टी रिकॉर्ड था वो लगभग 79.86 करोड़ हम मान लेते हैं। और जब हमारी सरकार बनी और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ अगर हम मान लेते हैं 80 करोड़, वो आपका 212 लीजेस से आया था, उस दौरान 212 लीजेस थे। और हमारी सरकार जब आई तो मात्र 133 लीज में 2021 में 2021 में 108 करोड़ और 2021-22 में 110 करोड़। इन आंकड़ों में समझना चाहिए कि जब लीज ज्यादा थे उसके बावजूद भी रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम था, तो रॉयल्टी और रेवेन्यू की कहां चोरी हो रही थी, यह समझ में आना चाहिए। और हमारी सरकार ने चीजों को कहीं ना कहीं और दुरुस्त किया, तब जाकर के ये रेवेन्यू और रॉयल्टी का कलेक्शन जो है बहुत बड़ा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।